वेलकम बैक। कैसे हो? आइए आज साक्षात प्रभु से मिलते हैं। प्रभु बहुत नेक काम कर रहे हैं। अगर धरती पर ऐसे शख्स पैदा ना हो तो कैसे चलेगी धरती यार? चलो निकलो। बेटा मुझे वृद्धाश्रम मत भेज, मैं अकेले हुआ कैसे रह लूंगा। इनकी फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए और जल्दी चलिए। चलो। इनकी स्टोरी बूढ़े माँ बाप पे शुरू और बूढ़े माँ बाप पे खत्म। अरे जीवन भर काम करा उन्होंने यार, बुढ़ापे में तो बख्श दे। ये कहाँ ले आ रहे अपने पापा को? देखो ये क्या हो रहा है। अरे यार मैं इन्हें वृद्धाश्रम लेके जा रहा हूँ। यार ईशान भाई देख रहा हूँ कैसा बेटा है ये। ये तो बहुत गलत बात है इस लड़के की। मेरा बस चले तो यार, शर्म नहीं आ रही इसे। आजकल के बेटे होते ही ऐसे है, माँ बाप बूढ़े हुए नहीं कि निकाल दिया घर से। किसी की बातों पे ध्यान मत दो, चलो। हाँ बुड्ढा घर से निकल जाएगा, सुकून से रहेंगे। जब कोई बेटा अपने माँ बाप को घर से निकालता है तो पूरी दुनिया उसको कोसती है, लेकिन दुनिया ये भूल जाती है कि किसी के माँ बाप को घर से निकालने में बेटी का ही अहम रोल होता है। वरना कोई बेटा शादी से पहले ही अपने माँ बाप को घर से क्यों नहीं निकालता। आ गए प्रभु, जय हो। सारा ब्लेम डाल दिया लड़की पर। बात सुन रहे हो भाई साहब की, कि माँ बाप को शादी से पहले घर से बाहर क्यों नहीं निकालते? इनका मतलब है जब बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, अपने माँ बाप पे पूरी तरह निर्भर है, उसी वक्त निकाल दो माँ बाप को। कोई सेंस है इस बात की? ये 12वीं तक पढ़े हुए लौंडे सोचते हैं कि इनका दिमाग इतनी तेज चलने लगा है कि अब ये पूरी दुनिया को मोटिवेशन पेलेंगे, वो भी अपनी ये बेबुनियाद बातें करके। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। शादी के बाद ही क्यों अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के साथ साथ ये भी सिखाएं कि जब वो शादी होने के बाद अपने ससुराल जाए तो उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझे और उन्हें अपने साथ रखे। ये क्या बात हुई कि लड़की घर में आई, लड़की ने लड़के को मैनिपुलेट करा और लड़के ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी स्टोरी लेकर आओगे तो चप्पलें पड़ेंगी। घंटे का मोटिवेशन नहीं है इसमें, मोटिवेशन पे लेंगे। हम बताते हैं कैसे मोटिवेट करते हैं। ये क्या कर रहा है तू? अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल रहा है? वो बूढ़े माँ बाप जिनकी वजह से तेरे घर में रौनक है, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू आज अपने पैरों पर खड़ा है और आज उन्हें तेरी जरूरत है तो तू उन्हें घर से निकाल रहा है। तू छोटा सा था, तेरी सेवा की, तुझे पाला, ये उनका प्यार था और आज जब तुझे प्यार दिखाने का नंबर आया तो तू उन पे ये सितम कर रहा है। भैया भैया मत करो यार, ये बगल में ईंट रखी है, सर में मार दूंगा। मेरी कुल्हाड़ी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, अब मैं क्या करूंगा। भाई मेरी कुल्हाड़ी वहां पे गिर गई है, अब मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे पास उस कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। ये पकड़ 10 का सिक्का और रंडी रोने बंद कर। तेरी कुल्हाड़ी गिरी, अभी उसमें से परी निकलेगी, तुझे सोने की कुल्हाड़ी देगी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी देगी। बख्श दे भाई, बख्श दे। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। भैया कुछ बोलोगे नहीं? अब बात ना होगी, डंडा ला। देखो 3 तरह के गंडाल होते हैं, फिलहाल मैं रोस्टरों को साइड में रख रहा हूं। अब बच्चे 2 तरह के, एक ये जो बैठ के हग रहे हैं और एक ये जो खड़े खड़े हग रहे हैं। मेरे प्यार करस जरा चखना, ओए मखना ऐसे चतुरा अब अखड़ा, ओए मखना मेरे प्यार करस जरा चखना, ओए मखना। ये सोच रहा होगा पब्लिक में नाच रहा हूँ, ओ वाओ माय कॉन्फिडेंस लेवल इज सो अप, कितना जिगरा और कॉन्फिडेंस है मुझ में। भाई एक नंबर के चूतिया लग रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम्हें तो कोई शर्म हया है नहीं, जहाँ मर्जी रंडापा शुरू, वो पीछे आंटी के बच्चे भी बोल रहे हैं। मम्मी भैया को क्या हो गया? पता नहीं बेटा, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मिर्गी विर्गी आई है। मम्मी चप्पल सुंघाऊं क्या? अरे छोड़ो बेटा, हमें क्या करना है, मरने दो सालों को। चुतिया तो ऐसे बिखर रहा है जैसे कबूतरों के लिए बाजरा। ये वही लोग हैं जो रियल टैलेंट को खा रहे हैं। मजे और मजबूरी आपको एक फ्रेम में दिखाता हूँ। टिंग टिनिंग टिनिंग टिनिनिंग टिंग टिनिंग टिनिंग टिनिनिंग टिंग टिनिंग टिनिंग टिनिनिंग। ये बच्ची जो स्टंट कर रही है, दिस इज द रियल टैलेंट। जितना पैसा इसे मिल रहा है ना, वो सारा पैसा इस बच्ची का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मगर ये गंडेल बस भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। खोल लिया कैमरा, हिला दिए चूतड़, बन गए सस्ते सेलिब्रिटी। अब आप ही बताओ क्या करें इनका। जूता उठा के मारो। ओ तुम्हें पाना है, मैंने सोच लिया, चाहे सर कोई पटके। देखो मत करो यार, मेरी आपसे विनती है, मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो कसम से।
वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बिचारी पहले इधर थी फिर घूम के उधर गई। तुम चूतियों के चक्कर में बाकी लोगों को एम्बेरेस फील करना पड़ता है। उनकी पर्सनल लाइफ है यार, क्यों उन्हें जबरदस्ती कैमरे में खींच रहे हो? वो रेलवे स्टेशन है, वहां किसी की माँ बीमार है, कोई नौकरी से परेशान है, किसी का वैसे ही दिमाग खराब है, सबका मेंटल प्रेशर एक जैसा नहीं होता। अभी खींच के तेरे कान पे किसी ने एक झापड़ मार दिया तो इतना समूह हो जाएगा तेरा। अच्छा अभी तक इन्होंने सिर्फ पार्कों पे कब्जा करा था, धीरे धीरे इनका एरिया बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा जब ये पूरी पृथ्वी निगल लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? ये सब जो चल रहा है इसे रोकने का कोई उपाय है? उसका तो उपाय नहीं है। उपाय नहीं है नहीं। जब कोई उपाय ही नहीं है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ, क्या करूँगा यहाँ रहकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं भी जा रहा हूँ, अभी सोचा नहीं है क्या करूंगा। बाय भैया। भैया जितनी देर में आप वीडियो बना रहे थे हमने एक गाना लिखा है, सुना दें? जनता हाँ बोल रही है, सुना दे। मैं भी नाचूंगा हाँ पब्लिक में और फेमस होके दिखाऊंगा गा गा गा। कैसा लगा भैया? बेटा बस एक यही रीजन है कि तू नौकर है।